मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने कटघर इलाके के संकट मोचन मंदिर में शस्त्र पूजा की, जिसके बाद मुरादाबाद के कई इलाकों से शस्त्र शोभा यात्रा में राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ता हाथों में पिस्टल और नंगी तलवारें लहराते नजर आए। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांतीय मंत्री रोहन सक्सेना ने बताया कि बदलते दौर में लोगों को शास्त्र और शस्त्र का महत्व समझाने के लिए शस्त्र रथ शहर के कई इलाकों में घुमाया गया है। रोहन का कहना है कि शस्त्र पूजन की परंपराएं समाप्त हो गई हैं। आज दशहरा सिर्फ रावण दहन का कार्यक्रम बनकर रह गया है, इसलिए हिंदू समाज को इतिहास याद दिलाने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल ने अपना शस्त्र रथ तैयार किया है। उन्होंने बताया कि बजरंग दल ने लोगों के घर पर जाकर कहा कि शस्त्र पूजन करें, ताकि शस्त्र पूजन की परंपरा विधि विधान से चलती रहे। आज राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद महानगर के द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया है और उसके बाद शस्त्र रथ लेकर हम मुरादाबाद के अंदर जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ शस्त्र पूजन की परंपराएं समाप्त हो गई, सिर्फ दशहरे को रावण दहन का कार्यक्रम बनाकर रह गए हैं। इसलिए हिंदू समाज को पुनः अपना इतिहास याद दिलाने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल ने अपना शस्त्र रथ तैयार करा है और दरवाजे दरवाजे जाकर घरों से लोगों को निकालकर उनसे कह रहे हैं कि शस्त्रों का पूजन करें, ताकि शस्त्र पूजन की जो परंपरा है वो विधि विधान से ऐसी चलती रहे, क्योंकि सत्यमेव जयते अपने देश का धर्म है और शास्त्र और शस्त्रमेव जयते अपने देश का कर्म है। इस दोनों चीजों को याद दिलाने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है।